वंदे परमानंदनाथम श्रीमन्मदन गोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्ये अहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुंदमरविंदललायकाक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुरूपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितमलिनाशयं विस्फुरन् मंदहासयं कनकदुषिगोकुलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभास् सीताम्बरागुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तुभ्यं न जाने। अव्यक्त अक्षर की उपासना के प्रसंग में भगवान ने कहा, ये त्वक्षर मणिर्देश मद्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिंतन च कूटस्थ मचलन ध्रुवम संयुग्मिन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति नामेव सद्भूत हितेरताः। ये 12वें अध्याय का प्रसंग है। परम श्रद्धा से युक्त होकर भगवान के सगुण रूप के उपासक भगवान को प्राप्त करते हैं और ये युक्तम है। ये कहने के पश्चात भगवान कहते हैं कि जो अक्षर निर्देश अचल ध्रुव सर्वत्र स्थित कूटस्थ परमात्मा की उपासना करते हैं वे भी मुझको ही पाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। पर इन अव्यक्त अक्षर कूटस्थ की उपासना करने वाले साधकों में भी तीन बातें होनी चाहिए। अव्यक्त अक्षर के स्वरूप को जानना ये तो पहली चीज है ही, नहीं तो उपासना कैसे हो। अक्षर अनिर्देश अव्यक्त सर्वत्रगम कूटस्थ अचल और ध्रुव ये ब्रह्म का स्वरूप बताया। इस स्वरूप की तो थोड़ी उपलब्धि होनी चाहिए ही, पर साथ साथ साधक में तीन बात होनी चाहिए। संयम इंद्रिय ग्रामम और सर्वत्र संबुद्धय और सर्वभूत हितेरता ये प्राप्त मुझे प्राप्त होते हैं। तो पहली चीज है साधक के लिए समस्त इंद्रियों के समुदाय को इंद्रिय ग्रामम भली भांति नियमन कर ले। संयम इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय ग्राम को इंद्रिय समूह को भली भांति संयमित कर ले। ये दूसरी चीज सर्वत्र सुख दुख हानि लाभ जय पराजय शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति इनमें जहाँ तक हो समभावापन्न रहे, सर्वत्र ब्रह्म को व्याप्त देखे
तो तीसरी चीज सर्वभूत हितेरता समस्त प्राणी के हित में निरत रहे। ये तीन बात। मनुष्य को गिराने वाली जो है ना, ये सबसे पहली इंद्रियां होती है। इंद्रियां यदि स्वतंत्र हो जाए तो ये बहिर्मुखी है ही, ये फिर जबरदस्ती मन को ले जाती है। इंद्रियाणि परमाथीन हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियां बहुत प्रमथन स्वभाव वाली है, मथ डालती है मनुष्य के मन को, और जबरदस्ती ये हर के ले जाती है। हरन्ति प्रसभं मनः। तो सबसे पहला काम साधक का ये है, ये अद्वैत का साधक भी, उस अद्वैत वाले के लिए तो है कि अद्वैत का साधक भी इंद्रियों को हमेशा नियंत्रण में रख के सन्मार्ग में लगाता रहे। श्रवण मनन निधिध्यासन का अर्थ क्या है? श्रवण का अर्थ है केवल इंद्रियों के द्वारा उत्तम उत्तम विषयों का ग्रहण करे। श्रवण एक नाम ले लिया सुनने का, लेकिन सुनना सूंघना चखना देखना स्पर्श करना ये जितने भी ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, ये कार्य हैं, ये सब के सब परमात्मा संबंधी हूँ शुभ हूँ, ये इंद्रियों को भगवान में लगाए। फिर ये श्रवण की हुई जो चीजें हैं इनका बार 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 मनन करे। ये जो मननशीलता है ये दूसरा साधन है, ये मन का, और बुद्धि को परमात्मा में ले जा करके सर्वथा नियुक्त कर दे ध्यान के द्वारा। ये निधिध्यासन श्रवण मन निधिध्यासन, ये तीन जो वेदांत में बड़ी अच्छी साधना के रूप में माने गए हैं, तो इनमें सबसे पहला इंद्रियों वाला काम है। यहाँ भी भगवान ने सर्व संयम इंद्रिय ग्रामम, ये पहले का इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का सारा समुदाय, जीभ भी कान भी नाक भी आंख भी का ये स्वतक भी, ये सब के सब नियंत्रण में रहे और भगवत संबंधी कार्य में लगे रहे। उनका सीधा उपाय बताया श्रीमद् भगवद गीता में, एक बार इनको भगो हटाने विषय से, और फिर भगवान के पारायण हो जाए। युक्त आशीत मत परः, इनका एक बार नियमन करके और फिर भगवान का आश्रय ले ले, अब इनको आप संभालो। उसका अर्थ यही है कि इनको भगवान की ओर लगाने की चेष्टा करे, कान से वही विषय अधिक सुने जो भगवत संबंधी हो, वही विषय अधिक देखे, तमाम इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवन हो, ब्रह्म विचार हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हूं, रसना और न गई हूँ, न तो कानों के द्वारा दूसरी बात सुनूंगा, न जीभ के द्वारा दूसरी बात कहूंगा, रुकी हूँ नयन बिलोक कह रही, शीश ही सही नहीं हूँ, दूसरे को देखने जाएगी आंखें तो उनको रोक लूंगा, और सर्वत्र भगवान को देखकर भगवान को ईश्वर नमाऊंगा। इस प्रकार काया मन वाणी सबके द्वारा भगवान का सेवन। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख डार हलाहल बोरो। ठाकुर प्रीति की रीत यही, भोरे टेक तजे आई भोरो,
बावरी वे अखियां जर जाए जो सांवर उछाड़ निहार तू गोर। इसमें भी वही साधन तत्व है, बड़ी कड़ाई के साथ इंद्रियों को रोक करके भगवान में लगाते हुए कहते हैं कि कानों से दूसरा नाम सुनेंगे ही नहीं, और जीव यदि दूसरा नाम लेगी तो हलाहल जहर डाल करके उसमें जीव को डुबो देगी, जीव को मार देंगे। और उन आंखों में आग लगा देंगे जो श्री श्याम सुंदर को छोड़ के दूसरे को देखे। भाव सबका एक ही है, इंद्रियों को भगवान में लगाना है। योग दर्शनकार कहते हैं ये अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, ये सूत्र है योग दर्शन का। इसके भाष्य में भगवान व्यास लिखते हैं कि हमारा जो चित्त है, इस चित्त वृत्ति का प्रवाह निरंतर संसार समुद्र की ओर जा रहा है। चित्त वृत्ति संसार में लगी जा रही है, तो संसार में लगने वाली चित्त वृत्ति को संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। जैसे बहती हुई नदी की प्रवल धारा को रोक कर उसके जल को यथायोग्य उपयोग में लाना हो तो क्या करे, बांध लगावे और नहरें निकाले दोनों का। यदि बांध न बांधे तो नहरों में पानी नहीं आएगा, और यदि केवल बांध दे नहरें न निकाले तो जल का प्रवाह नहरों को बांध को तोड़ देगा, अथवा जहां कहां अनिच्छित जल जाकर गांवों को डुबो देगा, काम नहीं आएगा। तो वैराग्य का बांध है, वैराग्य है ये बांध है, संसार की ओर जाने वाली चित्त वृत्ति को रोकने के लिए जो विरोधी वृत्ति है विराग की, उसका नाम है बांध वैराग्य। और इंद्रियों के द्वारा चित्त वृत्ति के प्रवाह को नाना प्रकार से भगवान की ओर ले जाए, ये है अभ्यास। ये है लहरों का निकालना। तो चित्तवृत्ति के प्रवाह को अन्य ओर ले जाने के लिए इंद्रियां बड़ी सहायता करती हैं, और इंद्रियां बड़ी बाधक भी होती हैं। इंद्रियां यदि स्वच्छंद होकर विषयों में विचरण करती रहें निरंकुश, तो ये चित्त को बुद्धि को सबको खींच करके आत्मा तक को विषयों में ले जाएगी और नरकों में डाल देगी। इसलिए सबसे पहली चीज बताई ये संयम इंद्रिय ग्रामन, इंद्रिय समूह को भरी भांति संयमित करे। जहां जहां इंद्रियों के संयम की टूटने की संभावना हो, जहां जहां इंद्रियां विषयों में आसक्त होकर विषयों का स्वाद लेने जाती हो, वहाँ वहाँ पर बड़ी सावधानी बड़ी कठोरता बड़ी निर्ममता के साथ उनको रोक दे। इंद्रियों पर दया न करे, कभी न करे। छोटे बच्चे पर जब तक यह बोध है तब तक इसको दुख होगा ये समझकर उसे चाहे सुखाने दे, चाहे जहाँ जाने दे, चाहे इसमें हाथ डालने दे, तो बच्चा अपना अनर्थ आप कर लेगा, मर जाएगा। आग में हाथ डाल लेगा, सांप को पकड़ लेगा, छुरी से हाथ काट लेगा, चाहे सो खा करके बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। तो जैसे इस छोटे शिशु की मन की बात न देखकर हित की बात माता पिता देखते हैं, रोए भी चाहे, इसी प्रकार से इंद्रियों के तृप्ति की बात न देखकर हित की बात देखनी चाहिए। और इंद्रियां अगर केवल तृप्त होने की ओर चली जाए तो तृप्त तो होगी नहीं, अनिष्ट हो जाएगा।
तो इंद्रियों को स्वच्छंदता से विचलन करने देना ये अपने आप अपना बुरा करना है। क्योंकि यही जैसे इंद्रियां मैंने घोड़े घोड़ों को ठीक रास्ते पर न ले जाकर छोड़ दिया जाए, ऐसे ही चला दिया जाए और कोई उन्हें संचालन करने वाला न हो, रास्ते पर ले जाने वाला न हो, तो क्या होगा? वो चाहे जहाँ चाहे जिस मार्ग से उबड़ खाबड़ मार्ग से मैदान में गढ़े में नदी में चाहे जहाँ वो घोड़े चले जाएंगे और घोड़ों के साथ साथ जितने घोड़ों के साथ संयुक्त हैं, लगाम भी साज भी सारथी भी रथी भी रथ भी ये सब के सब चले जा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए यथा योग्य संचालन और नियंत्रण की आवश्यकता घोड़ों की होती है। इसी प्रकार ये इंद्रियां जो हैं ये विषय रूपी मार्ग पर चलने के लिए घोड़े यही हैं और है नहीं हमारे पास। किसी संत का दर्शन करना होगा तो आंख की जरूरत होगी, किसी सदग्रंथ को पढ़ना होगा तो आंख की जरूरत होगी, किसी सदुपदेश को सदगुरु से महात्मा से सुनना होगा तो कान की जरूरत होगी। तो बिना इंद्रियों के काम चलता ही नहीं है। इंद्रियां ही घोड़े हैं जो जीवन रथ को ले जाते हैं भगवान की ओर। परंतु ये अगर अनियंत्रित हूँ, ये अगर स्वच्छंद हूँ, ये अगर सुनिपुण संचालक के अधीन न हो तो ये बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर चलने वाले हैं, इनका स्वभाव है और ये इंद्रियां चाहे जहाँ फिर मनुष्य को ले जाती। इसलिए इंद्रियों को काम देना चाहिए, इंद्रियां निकम्मी भी नहीं रहेंगी। मन और इंद्रियां ऐसे हैं कि निकम्मी नहीं रहना चाहते, इनको काम दे दे तो आंख को देखने का ही काम दे, और काम नहीं कर सकती। पर जहाँ आंख देखती अशुभ विषयों को, अशुभ विषयों को देखने में लगावे, तो पहले पहले अगर आंखों का अभ्यास अशुभ देखने का है तो जरा वो उबेंगी, पर लगाता रहे बार बार तो आंख उनको देखने लगी। आंख का काम देखना है, आंख में जब तक भोग बुद्धि है तब तक वो जरा कठिनाई हो रही है, जब केवल क्रिया बुद्धि रह जाएगी फिर चाहे जहाँ लगाओ। अभी तो आंख को मन ने और मन को आंख ने इतना खराब कर रखा है कि किसी एक चीज को देखने में ही उनको आनंद आता है, ये भोग है। इंद्रियों के द्वारा दो काम होते हैं स्वाभाविक, एक भोग और एक क्रिया, तो तीसरा होता है साधन, वो सर्वोत्तम है। आंख चाहे हम किसी उद्देश्य को न मन में रखें, आंख देखती है, ये आंख की क्रिया है। भोग बुद्धि से आंख देखती है, ये आंख का भोग है। और साधन बुद्धि से किसी सदवस्तु को आंख देखती है, ये साधन है। तो इंद्रियों को भोग से हटाकर इंद्रियों की क्रियाओं को साधन में लगावे, सब चीजों को। ये इंद्रियां जो हैं ये थोड़े से वस्तु को लेती हैं और फिर से ले जाती है मन में, और मन क्या करता है कि वो वस्तु में जो और वैसी उस जाति की पहले की है उनको जा करके ये वृत्ति जगा देती है। जैसे आंख ने किसी काम की वस्तु को देखा और वो मन में ले गया, तो मन में जो पहले की सुप्त काम वासनाएं हैं उनको ये जाकर के जगा देगी और भड़का देगी। इसी प्रकार क्रोध, इसी प्रकार लोभ, इसी प्रकार मोह। और अगर इसके विपरीत दूसरी चीजों को देखें, काम जय क्रोध जय इन चीजों को देखें, क्षमा को देखें, त्याग को देखें, ब्रह्मचर्य को देखें इत्यादि को, तो क्या होगा? ये अंदर जाएंगे, ये अंदर जाके ये अपने सजातियों को जगाएंगे, तो विरोधी अपने आप दबेंगे। ये स्वाभाविक हमारे जीवन में हमारे अंदर ये चलता रहता है, विचारों का विनिमय लेना देना चलता रहता है और अच्छी बुरी चीजें जागती और सोती रहती है जैसा जहाँ प्रसंग होता है।
इसलिए मनुष्य से कहा कि तुम निरंतर सत्संग करो, सारी इंद्रियों को सत में लगाए रखो, उसके सामने इतना काम रखो इंद्रियों के सामने कि और काम के लिए फुर्सत न मिले। तो वो हरिदास महाराज रहे, हरिदास महाराज चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वो 3 लाख रोज नाम जप करते थे ऊंची आवाज से, जिसमें बाहर की आवाज में सुनाई पड़े। तो एक गांव में गए, वहाँ के जिम्मेदार थे, वो थे तो हिंदू पर मुसलमान सभी थे ही। उन्होंने देखा कि इनके व्रत को डिगाना है, देखना है, तो उन्होंने एक वेश्या को ठीक किया और वेश्या से कहा कि तुम हरिदास जी की कुटिया पर रात को जाना और उनके मन को डिगाना। तो वेश्या रात को गई, वो अपना नाम जप कर रहे जोर जोर से। उन्होंने एक बार वेश्या देखी, फिर अपना काम में लग गए। अब लगातार लगी हुई इंद्रिय फुर्सत ही नहीं उनको। सवेरा हुआ तब उठे, तब उससे बोले कि भाई तुम तो रात को आई थी पर हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली, तो तुमसे कब बात करते, अब क्या करें। बिचारी लौट गई। दूसरे दिन फिर आई, अब फिर वहां तो वही काम, रात भर बैठी सुनती रही। वो उसने चेष्टा की, लेकिन वो तो एक तरफ बुद्धि लगी हुई थी उनकी, रात सारी बीती। फिर सवेरे उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, उनको तो फुर्सत नहीं मिली। तो हताश से हुई, तो फिर उसने उत्साहित किया जिम्मेदार ने। तब इसके मन में एक आंदोलन शुरू हो गया वेश्या की, कि 2 दिन हुआ मैं निरंतर इनके पास बैठी हुई हूँ और ये मेरी ओर ताकते ही नहीं, केवल नाम जप करते रहते हैं। हो न हो इनको तो ऐसी वस्तु मिली हुई है जो मुझसे कहीं अच्छी है। संत का संग 2 दिन तक बैठे बैठे ही हुआ, उसका प्रभाव पड़ा, वहाँ के वातावरण का प्रभाव पड़ा। अभी 3रे दिन जो आई, अब वो कुछ लेने के लिए आई यार, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। रात भर बैठी, सवेरा हुआ महाराज उठे, उसके शरण में गिर गया। कहा भगवान मैं बड़ी अपराधिनी, बड़ी नीच, आप में पाप बुद्धि पैदा करने आई थी। तो उसने कहा भाई क्या बताऊं, हमको तो फुर्सत नहीं मिली, हमारा तो वो नाम जब पूरा हुआ नहीं 3 लाख, तो तुमसे कैसे बात करते, क्या करें। तो उनका महाराज ये तो बात ठीक है, पर आपकी वृत्ति इतनी सुस्थिर कैसे है, आपको क्या प्राप्त है। बोले भाई कुछ प्राप्त है हमको। तो कहा क्या प्राप्त है वो हमको दीजिए। तो कहा कि तुम लेना चाहती हो। बोले हाँ। तो कहा जाओ ये वृत्ति तो छोड़ दो और जो कुछ तुम्हारे पास है वो तो सब लुटवा कर चली आओ। अब उसके 3 दिन का संग मिला, भाव जागृत हो गया था, उसने सब लुटा दिया, लुटा कर फकीर के वेश में आ गई। हरिदास जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो ये तुलसी की माला और श्री कृष्ण नाम है, ये परम धन है, इसी कुटिया में रहो, ये आसन इसको लेके बैठ जाओ और मैं जाता हूँ। तो वो चल दिए, वो आसन और माला और हरिनाम दे गए, वो बड़ी भारी भक्ति महान संत हो गई।